हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कविंद्र कुशवाहा। देखिए, आज को जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, क्लास 3 के रेनबो किताब की लेसन 4 को पढ़ेंगे हम लोग। जो आपके सरकारी स्कूलों में यह किताब चलता है या अन्य विद्यालयों में चलता है रेनबो, तो हम लोग कक्षा 3 की रेनबो किताब से लेसन 4 को लिए हैं आज। इसके पीछे का जो चैप्टर अभ्यास है 1 से लेकर 3 तक, हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे उसका सभी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। रेनबो क्लास 3 के नाम से प्लेलिस्ट है, यदि आप लोग जाकर उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए इस लेसन को शुरुआत किया जाए। इस चैप्टर का नाम है द बास्केट। ठीक है, तो द बास्केट मतलब क्या होता है? बास्केट मतलब होता है टोकरी। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे टोकरी दिखाई दे रहा है, टोकरी में फल हैं, सब्जियाँ हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा देखिए, इसमें 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, एक लड़का है और ये एक लड़की है, कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत करना। तो लड़के का नाम है रवि और लड़की का नाम है रितु। तो दोनों जब आपस में मिल रहे हैं, जैसे हम लोग दोस्त कभी किसी से कोई मिलते हैं कभी भी, तो कैसे पहले अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, तो वही इसमें इस किताब के माध्यम से बताया है, समझाया है कि कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, तो पहले ये जो लड़का है, ये लड़का है और लड़की है, ठीक है। तो इसमें ऋतु पहले बोलिए। देखिए, यहाँ पर ऋतु के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऋतु बोल रही है कि हेलो रवि, हेलो रवि, हाउ आर यू। मतलब रितु जो लड़की है बोल रही है, हेलो रवि, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ये प्रश्नवाचक मार्क लगाया है ना, जो प्रश्नवाचक मार्क लगाया है, तो इसमें मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक। लड़की पूछ रही है, तो रवि बोल रहा है, यहाँ पे देखो रवि है, यहाँ पे मेरा रवि, रवि बोल रहा है फाइन, थैंक यू। फाइन मतलब होता है अच्छा या ठीक। तो रवि बोला ठीक, मैं ठीक हूँ, और उसको धन्यवाद देता है। किसको? ऋतु को धन्यवाद देता है, थैंक यू मतलब धन्यवाद होता है, ओके। अब ये फिर बोल रही है, इसमें देखिए ऋतु फिर बोल रही है कि व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट इज इन योर हैंड। मतलब ऋतु पूछ रही है लड़के से, यानी रवि से, कि तुम्हारे हाथ में क्या है, ठीक। इसका मतलब यही होगा हिंदी, कि तुम्हारे हाथ में क्या है, ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। इसके बाद तो रवि बोल रहा है, देखिए रवि बोल रहा है, यहाँ पे रवि बोल रहा है ए वेजिटेबल बास्केट। ए मतलब एक, वेजिटेबल मतलब सब्जी, और बास्केट मतलब टोकरी, मतलब कि एक सब्जी का टोकरी है, एक सब्जी का टोकरी, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ऋतु बोल रही है इज़ दैट योर बास्केट। मतलब इज़ दैट योर बास्केट, कि वह तुम्हारा टोकरी है, पूछ रही है क्या वह तुम्हारा टोकरी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया हुआ है। तो रवि बोल रहा है एस, हाँ इट इज़ माई बास्केट, यह मेरी टोकरी है, ओके। फिर ऋतु सवाल कर रही है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे उससे, व्हाट इज इन द बास्केट, मतलब कि इस टोकरी में क्या है, ठीक है, टोकरी में क्या है, ठीक है। तो फिर देखिए रवि बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो रवि है आपका, फिर रवि बोल रहा है There are fruits and vegetable in the basket, मतलब कि टोकरी में फलें और सब्जियां हैं, ठीक है। टोकरी में फलें मतलब फ्रूट्स, मतलब फलें हो गया, फ्रूट मतलब फल होता है, तो फलें और सब्जियां हैं, इस लाइन का अर्थ यही होगा, ठीक है, कि टोकरी में फलें और सब्जियां हैं। उसके बाद फिर ऋतु बोल रही है, यहाँ से क्वेश्चन कर रही है कि विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर इन द बास्केट, ठीक है।
तो इसका मतलब ये होगा, इस लाइन का अर्थ क्या होगा हिंदी में देखिए, इसका होगा कि विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर देयर इन बास्केट, मतलब कि टोकरी में कौन सी फल और कौन सी सब्जियां हैं। इसका मतलब ये होगा कि टोकरी में कौन सी सब्जियां, विच मतलब कौन सी होता है, विच मीन कौन सी फलें और कौन सी सब्जियां टोकरी में है, ठीक है। उसके बाद देखिए रवि बोल रहा है, ठीक है, रवि क्या बोल रहा है, रवि बोल रहा है एप्पल्स, टोमेटोस, ग्रेप्स, पीज, बनानास एंड ब्रिंजाल्स। तो इसमें देखिए दिया हुआ है एप्पल्स, मतलब जानते हैं आप लोग, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एप्पल मतलब होता है सेब, तो यहाँ पे एप्पल मतलब इस टोकरी में सेब है, टोमेटोज मतलब होता है टमाटर है, ठीक है, ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, और पीज मतलब होता है आपका मटर, बनानास मतलब जानते हैं केला होता है, और ब्रिंजाल्स मतलब बैगन, ठीक है। तो इसमें यही सब टोकरी में दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको टोकरी का सीन दिखाया दिया है, इसमें फल सब भरा हुआ है, तो इसमें सब वार्तालाप किए हैं ये लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है राइटिंग टाइम, मतलब लेखन समय, लिखने का समय, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऊपर करते हैं हम, देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्रूट बास्केट, मतलब फ्रूट बास्केट, और ये वेजिटेबल बास्केट, फ्रूट मतलब होता है फल की टोकरी और वेजिटेबल मतलब सब्जी की टोकरी। तो इसमें भरना है कौन कौन से फ्रूट हैं, इसमें भर देना है पूरा, और कौन कौन से इसमें सब्जी हैं। तो हम लोग ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए फल में मेरा है आपका एप्पल सेब हो गया फल, ग्रेप्स अंगूर जो है आपका फल हो गया, और ये आपका यहाँ पे देखिए दिया है बनानास, बनानास मतलब केला, ठीक है, तीन मतलब फल है और तीन सब्जियां हैं आपका टोमेटो, पीज मटर और ब्रिंजाल बैगन्स, ठीक है, ब्रिंजाल मतलब बैगन होता है, भंटा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसमें भर देना है, आप लोग भर दीजिएगा, इसमें फल को भर देना है, इसमें सब्जी को भर देना है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया देखिए, लेट्स टॉक, लिखा हुआ है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं, ठीक है, या आइए बात करते हैं, टॉक मैंने बात करना होता है, ठीक है। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, देखिए इसमें लिखा है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मतलब गुड मॉर्निंग बच्चों, इसका मतलब होगा गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन मतलब गुड मॉर्निंग बच्चों। उसके बाद बोली आई एम जया, मैं जया हूँ, ओके, आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, या मैं तुम्हारी शिक्षिका हूँ, अध्यापिका हूँ, अगर लड़की है तो अध्यापिका ही होगा। उसके बाद गुड मॉर्निंग टीचर, ये जो लड़के हैं बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग टीचर, मतलब सुप्रभात अध्यापक या टीचर को टीचर बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, इसका मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है व्हाट इज़ योर नेम, पूछ रही है, तो ये बोल रहा है, ये जो बच्चा है बोल रहा है माई नेम इज़ पिंकू, मेरा नाम पिंकू है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद लिखा हुआ है, ये बोला है माई नेम इज सोनू, ये बोला है मेरा नाम सोनू है। उसके बाद देखिए पूछ रही है बच्ची, पूछ रही है लड़की, पूछ रही है कि वेयर डू यू लिव सोनू, मतलब कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, वेयर डू यू लिव बोलते हैं इसको, ठीक है, लिव सोनू मतलब सोनू तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे देखिए सोनू बोल रहा है, यहाँ पे सोनू बोल रहा है आई लिव इन रामपुर, मैं रामपुर में रहता हूँ, ओके। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है विच कलर डू यू लाइक पिंकू, मतलब कि पिंकू
तुम कौन सा रंग पसंद करते हो? इसका मतलब यही होगा, विच कलर मतलब कौन सी कलर डू यू लाइक, लाइक मैंने पसंद करना, यू मतलब तुम्हें या तुमको, अब पिंकू तो नाम है ये है, मतलब कि इसका होगा तुम कौन सी कलर पसंद करते हो या तुम्हें कौन सी रंग पसंद है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक पिंक कलर, ठीक, ये लड़का बोल रहा है आई लाइक पिंक कलर, मतलब कि मैं गुलाबी रंग पसंद करता हूँ। ठीक है, मतलब उसको पिंक, इसको क्या पसंद है, गुलाबी, पिंक मतलब होता है गुलाबी, गुलाबी रंग पसंद है। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है विच फ्रूट डू यू लाइक सोनू, मतलब ये पूछ रही है, ठीक ना, ये जो है आपकी बच्ची यहाँ पे जो दिखाया है फोटो में, ये पूछ रही है, ठीक है, ये एरो का निशान दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये पूछ रही है कि विच फ्रूट डू यू लाइक सोनू, मतलब कि सोनू तुम कौन सी फल, कौन सा फल पसंद करते हो, फल, ठीक है, फल के बारे में बोला है, तो यहाँ पे सोनू बोल रहा है, ये लड़का है आई लाइक मैंगो, मतलब कि मैं आम पसंद करता हूँ, आम। तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा फल पसंद है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच गेम डू यू लाइक टू प्ले पिंकू, मतलब कि विच गेम, कौन सी खेल, ठीक, तुम कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो पिंकू, मतलब कि ये जो है आपकी लड़की जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है चित्र में, ये पूछ रही है पिंकू से, पिंकू के यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो पूछ रही है कि विच गेम डू यू लाइक टू प्ले पिंकू, पिंकू तुम कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए पिंकू क्या बोल रहे हैं, पिंकू बोल रहे हैं आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन जो हम लोग खेलते हैं, चिड़िया मारते हैं खड़ा खड़ा, तो वही चीज़ है आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मतलब कि मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, इसका मतलब यही होगा कि मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग टाइम, मतलब लेखन समय, यह भी होगा लिखने का समय, आगे आप लोगों को अब लिखने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग भर सकते हैं अपने आप को लेकर के। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेम, तो जो आपका नाम होगा यहाँ पे लिखना है, मतलब इसका हिंदी में क्या होगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम कविंदर है, आप लोगों का नाम कुछ भी होगा, सोनू होगा, मोनू होगा या कुछ भी होगा, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, लिव मतलब होता है रहना, मतलब कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक, तो आप जहाँ रहते हैं गाजीपुर, बक्सर, बलिया, बनारस, कहीं भी, तो वहाँ पे लिख सकते हैं, हम डिब्रूगढ़ रहते हैं तो डिब्रूगढ़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई ये नहीं कि हम जो बताएंगे वही लिखेंगे, क्योंकि जब जहाँ रहते हैं वहाँ का पता लिखना है इसमें। ओके, इसमें लिखा है विच कलर डू यू लाइक, मतलब तुम्हें कौन सी रंग पसंद है, कलर मतलब होता है रंग, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो आप लोगों को जो रंग पसंद है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक फल के बारे में कि कौन सा फल आपको पसंद करते हैं, और एक पूछ रहे हैं कौन सा रंग पसंद करते हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा जवाब, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, कमेंट इंतज़ार का, कमेंट का। चलिए आगे देखते हैं, इसमें लिखा है विच फ्रूट डू यू लाइक, ठीक, कौन सी फल तुम पसंद करते हो। ठीक है, तो जो पसंद आप लोगों को है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमको तो ज़्यादा एप्पल पसंद है, ठीक है, और आप लोगों को जो पसंद होगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, इसका मतलब ये होगा तुम कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो,
देखिए यहाँ पे लिखा है ना लाइक टू प्ले, मतलब खेलना पसंद करते हो, इसका मतलब ये होगा। ठीक, तुम कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? तो जो भी आप लोग खेल खेलना पसंद करते हैं उसको आप लोगों को लिख देना है कॉपी पे, यदि आप लोग क्लास 3 में हैं तो। यदि आप लोग ऊपर क्लास में हैं तो कोई बात नहीं, बस पढ़ सकते हैं केवल, देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो को अच्छा से कवर किया, जितना भी अंग्रेजी में था सबको हिंदी में अनुवाद करके बताया आप लोगों को। तो आप लोग भी इसको रिवीजन करिए, अच्छा से समझिए, पढ़िए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।